नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। हमारा टॉपिक चल रहा था ईयर ब्लैडर। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ईयर ब्लैडर और उसके टाइप। आज है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ब्लैडर, फंक्शन ऑफ ईयर ब्लैडर और एवोल्यूशन ऑफ ईयर ब्लैडर। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला हेडिंग रहेगा स्ट्रक्चर एंड ब्लड सप्लाई इन ईयर ब्लैडर। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और ब्लड सप्लाई किस टाइप से होती है और ईयर किस टाइप से डिफ्यूज होती है ईयर ब्लैडर में। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीरोस्ट में ये ब्लैडर बॉडी कैविटी की कंप्लीट लेंथ में एलिमिनेटरी कैनाल की डोर्सल साइड सिचुएटेड गैस फील्ड सैक होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस का मिक्सचर होता है। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था जो टीरोस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वॉलीफिश कहते हैं। वॉलीफिश का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ईयर ब्लैडर। ईयर ब्लैडर को कॉमनली स्विंग ब्लैडर कहते हैं क्योंकि ये जो फिश होते हैं उन्हें स्विंग करने में, तैरने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, उन्हें स्विंग ब्लैडर भी कहते हैं। फिश की बॉडी कैविटी में कंप्लीट लेंथ में, जो बॉडी कैविटी होती है उसकी कंप्लीट लेंथ में क्या होता है, ईयर ब्लैडर सिचुएटेड रहता है सीलोम कैविटी को छोड़कर। हमने आपको इसकी प्रेजेंट बताई थी कि बाइटिबल कॉलम और किडनी के वेंट्रल साइड और एलिमेंट्री कैनाल की डोर्सल साइड क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, जिसके अंदर O2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेज का मिक्सचर फिल होता है। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए जिससे आपको समझ आ जाए कि कहां पर ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे नीचे आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखेगी, उसके ऊपर आपको उसकी डोर्सल साइड ईयर ब्लैडर और उसकी डोर्सल साइड आपको किडनी, डोर्सल ऑर्टा और आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी। आपने अभी कंप्लीट हो गए यहाँ पर और अब हम देखेंगे आगे। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था टाइप कि एयर ब्लैडर टू टाइप के होते हैं। नंबर एक था फिजोक्रिस्टस और नंबर दो फिजोस्टोमस। फिजोक्रिस्टस भी एयर ब्लैडर थे जिनमें न्यूमेटिक डक्ट कंप्लीटली एब्सेंट थी और फिजोस्टोमस वे एयर ब्लैडर थे जिनमें न्यूमेटिक डक्ट क्या थी, प्रेजेंट थी, जो गट से क्या थी, अटैच थी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजोक्रिस्टस। ये डायग्राम फिजोक्रिस्टस का है। हम इसमें देखेंगे किस टाइप से, क्योंकि इसमें न्यूमेटिक डक्ट तो होती नहीं, तो किस टाइप से ईयर ब्लैडर में ईयर फिल होती है, कहाँ से सिक्रेट होती है और कैसे रीऑब्जर्व की जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजोक्रिस्टस में स्विंग ब्लैडर जनरली टू चेंबर में डिवाइड होता है। जो फिजोक्रिस्टस ईयर ब्लैडर होता है वो जनरली किस में होता है, टू चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। इसका पोस्टीरियर चैम्बर स्मॉलर होता है। आप देख सकते हैं इसका पोस्टीरियर चैम्बर क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, जिसे ओवल ग्लैंड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पुष्टि चैम्बर को ओवल ग्लैंड भी कहते हैं, जो गैसेस को रीऑब्जर्व एंड सिक्रेट कर सकता है। जब ईयर ब्लैडर में गैस फिल होगी, जब रीऑब्जर्वेशन का टाइम आता है, अवशोषण का टाइम आता है, तो किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा किया जाता है, ओवल ग्लैंड के या पुष्टीरियर चैम्बर के द्वारा गैस को रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब आगे देखेंगे, जबकि एंटीरियर चैम्बर कंपैरेटिविटी लार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर चैम्बर है उसके कंपैरिजन में जो एंटीरियर चैम्बर क्या है, लार्ज है, बड़ा है, जिसकी टिप पर रेड ग्लैंड या रेड बॉडीज प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं एंटीरियर चैम्बर की टिप है, यहाँ पर क्या है, रेड ग्लैंड, जिसे क्या कहते हैं, रेड बॉडी भी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो एक कंपैक्ट
मास के द्वारा फॉर्म होती है। कॉम्पैक्ट मास के द्वारा फॉर्म होती है, इसमें आर्टरी और वेन की जो कैपिलरीज होती हैं और ईयर ब्लैडर की वॉल के द्वारा क्या फॉर्म होती है, इसीलिए कहते हैं इसे कॉम्पैक्ट मास कहते हैं। इस कॉम्पैक्ट मास को रेटिमरेबल कहते हैं। रेटिमरेबल इसलिए कहते हैं, रेड ग्लैंड को क्या कहते हैं, रेटिमरेबल्स भी कहते हैं, क्योंकि आर्टरी और वेन की जो कैपिलरीज होती हैं वो डेंस नेटवर्क बनाती हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, रेटिमरेबल्स कहते हैं। जब डेंस नेटवर्क बन जाता है, जब डोर्सल ऑर्टा से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है ब्लड के साथ और सीलियो को मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा रेड ग्लैंड पर आकर क्या कहते हैं, फिक्स होती है। यहाँ पर कैपिलरीज बनती हैं, जो कैपिलरीज O2 को एंटीरियर चैम्बर में क्या कर देती है, डिफ्यूज कर देती है, और जो ब्लड होता है वो हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा हेपेटिक पोर्टल बोन या लीवर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर ये ब्लड हार्ट की तरफ चला जाता है। अब हम पहले आगे देखते हैं, रेटिमरेबल कहते हैं ये ग्लैंड सीलियो को मेजेंट्रिक आर्टरी से ब्लड को ऑब्टेन करती है। हमने बताया कि डोर्सल ऑर्टा से क्या आती है, सीलिया को मेजेंट्रिक आर्टरी आती है जो ब्लड को ऑब्टेन करती है रेड ग्लैंड, और फिर कहाँ ट्रांसफर कर देती है, हेपेटिक पोर्टल वेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऑब्टेन करती है। अब देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा, और इस ब्लड को हेपेटिक पोर्टल वेन में ट्रांसफर करती है। ब्लड गिल से आया जिसमें O2 रिच थी, डोर्सल ऑर्टा से होते हुए सीलियो को मेजेंट्रिक आर्टरी से रेड ग्लैंड पर पहुंचा, रेड ग्लैंड से यहाँ पर डेंस नेटवर्क बना जिसे रेटिमरेबल्स कहते हैं, जिससे जो ब्लड में O2 थी वो एंटीरियर चैम्बर में या एयर ब्लैडर में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, और जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अकॉर्डिंग कैपिलरीज के द्वारा डिफ्यूज होकर हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, गैसेस का सिक्रेशन रेड ग्लैंड एंड रीऑब्जर्वेशन ओवल ग्लैंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। ये प्रोसेस चलती है रीऑब्जर्वेशन की और सिक्रेशन की, ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हमने फिजियोलिस्टिस का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने देखा कि किस टाइप से रेड ग्लैंड के थ्रू गैसेस का सिक्रेशन होता है और ओवल ग्लैंड के थ्रू गैसेस का क्या किया जाता है, रीऑब्जर्वेशन किया जाता है फिजियोलिस्टिस ईयर ब्लैडर में, क्योंकि इसमें क्या है, डक्ट नहीं होती। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि डॉर्सल ऑर्टा है, उसके थ्रू एक सीलियो में मेजेंट्रिक आर्टरी आती है जो रेड ग्लैंड पर आकर क्या होती है, डेंस हो जाती है, यहाँ पर कैपिलरीज बनाती है, और जी कैपिलरीज एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे रेटिमरेबल्स कहते हैं। जब O2 रिच ब्लड रेड ग्लैंड पर पहुंचता है तो यहाँ से O2 एंटीरियर चैम्बर या एयर ब्लैडर में सिक्रेट कर दी जाती है, और जो ब्लड है वो हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर से होते हुए हार्ट की तरफ क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर लिया जाता है ब्लड। जब फिश को अनफेवरेबल कंडीशन में O2 की नीड होती है तो ओवल ग्लैंड के थ्रू O2 को ईयर ब्लैडर से क्या कर लिया जाता है, रीऑब्जर्व कर लिया जाता है, और पोस्ट कोर्डियल पेन के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हार्ट से होते हुए फिर गिल्स की तरफ मूव कर दिया जाता है ब्लड के लिए। अब हम देखेंगे फिजियोस्टोमस के बारे में, बात करते हैं फिजियोस्टोमस ईयर ब्लैडर के बारे में। अभी हमने फिजियोलिस्टिस ईयर ब्लैडर में देखा कि किस टाइप से ईयर का सिक्रेशन हो रहा था और किस टाइप से उसका रीऑब्जर्वेशन कर लिया जा रहा था। अब हम देखेंगे फिजियोस्टोमस ईयर ब्लैडर के बारे में। फिजियोस्टोमस ईयर ब्लैडर वे ईयर ब्लैडर होते हैं जिनमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जो गट से क्या होती है, अटैच होती है, और ऐसी ईयर ब्लैडर लंग फिश में पाए जाते हैं। तो देखते हैं फिजियोस्टोमस ईयर ब्लैडर में एंगल्फ की गई ईयर डक्ट के थ्रू या माउथ के थ्रू बबलिंग की फॉर्म में रिलीज की जाती है। माउथ या डक्ट के थ्रू ईयर ब्लैडर में क्या कहते हैं, फिल की जाती है, और उसी के थ्रू बबलिंग की फॉर्म में रिलीज कर दी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं।
अब हमारा जो स्ट्रक्चर वाला हेडिंग था वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ ईयर ब्लैडर। इसमें हम देखेंगे कि ईयर ब्लैडर के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक फिश की लाइफ में। देखते हैं फंक्शन ऑफ ईयर ब्लैडर। टीलोस्ट में ईयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो उसकी लाइफ की वाइटल एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। स्विम ब्लैडर के सम इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉलोइंग है, जिसमें से नंबर एक है रेस्पायरेशन। देखेंगे किस टाइप से रेस्पायरेशन होता है एयर ब्लैडर के थ्रू। रेस्पायरेशन लोअर एंड मीडियम फिशेज जैसे लंग फिश, पहले हम लंग फिश की बात करेंगे। लंग फिश में एयर ब्लैडर हाईली मॉडिफाई हो जाता है जो सिंगल लोब या बाई लोब में मॉडिफाई हो जाता है। इसकी बॉल हाईली वास्कुलर हो जाती है। जब एयर ब्लैडर की बॉल पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो क्या होते हैं हाईली वास्कुलर हो जाता है जो अदर वर्टिब्रेट के लंग से ग्रेटली रिसेम्बल करती हैं। लंग फिश के ईयर ब्लैडर और अदर वर्टिब्रेट के लंग्स एक दूसरे से क्या करते हैं ग्रेटली रिसेम्बल करते हैं क्योंकि हाईली वास्कुलर होते हैं। लंग फिश ईयर इंगल्फ करने के लिए लगातार वाटर सरफेस पर मूव करती हैं। जब एयर इंगल्फ करनी होती है तो वाटर सर्फेस पर क्या करती है मूव करती है। साथ ही साथ रेड ग्लैंड के द्वारा कॉजिक गैसियस सिक्रेशन भी इनकी रेस्पायरेटरी प्रोसेस को इजी बना देता है। रेड ग्लैंड के थ्रू इनके ब्लड से ईयर को ईयर ब्लैडर में क्या कर लिया जाता है सिक्रेट कर दिया जाता है जिससे इनकी रेस्पायरेटरी प्रोसेस है वो क्या होती है ईजी हो जाती है और डायरेक्ट भी क्या करती है ये ईयर को इंगल्फ करती है। अतः इनका स्विम ब्लैडर एज ए एसेसरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन फंक्शन करता है। अब हम आगे देखते हैं ऐसी फिशेज जिनमें न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होती है यानी कि ऐसी एयर ब्लैडर जिनमें न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होगी उन्हें क्या कहते हैं फिजोक्लिस्टस और वो किस में पाए जाते हैं टीलोस्ट में। तो उनमें भी स्विम ब्लैडर रेस्पायरेशन में क्या करते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन में ओटू की नीड होती है फिश को तो एयर ब्लैडर से ओटू को क्या कर लिया जाता है कैरी कर लिया जाता है। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे कि एयर ब्लैडर किस टाइप से एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन फंक्शन करता है फिश में। इनका स्विम ब्लैडर एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन फंक्शन करता है क्योंकि इनकी स्विम ब्लैडर में फील्ड एयर इनकी बॉडी को सेवरल टाइम लाइट एयर बना देती है। जब एयर ब्लैडर में एयर फिल हो जाती है तो इनकी बॉडी भी क्या होती है हल्की हो जाती है जिससे ये फिश अकॉर्डिंग टू नीड वाटर बॉडी की किसी भी जोन में इजीली लोकोमोशन एंड स्विम कर सकती है। जब बॉडी हल्की हो जाती है तो लोकोमोशन और स्विम करने में हेल्प मिलती है। ब्लैडर में सिक्रेटेड गैसेज का मिक्सचर, ब्लैडर में गैसेज का मिक्सचर होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिक्रीज कर देता है जिससे फिश की बॉडी अपनी बाउंसी पावर को मेंटेन कर सकती है। जब ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है जिससे फिश बॉटम से सरफेस पर और सरफेस से बॉटम पर इजीली क्या कर सकती है मूव कर सकती है। जब उसे बॉटम की तरफ मूव करना होता है तो गैसेस का रीअब्जॉर्प्शन होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होने लगती है और फिर धीरे धीरे बॉटम की तरफ जाने लगती है। अतः ये फिश अपनी स्विम ब्लैडर के द्वारा बॉटम में ऊपर या नीचे मूव कर लेती है। ये हमारा सेकेंड फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब हमारा थर्ड है इन साउंड प्रोडक्शन। देखते हैं क्या होता है। कुछ फिशेज वाइब्रेशन के द्वारा गैसियस मीडियम में साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ईयर ब्लैडर में ईयर का सिक्रेशन होता है तो वाइब्रेशन होता है जिससे एक मरमरिंग क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड स्पीसीज स्पेसिफिक होती है
यानी कि एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए एक साउंड क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। ये साउंड एनिमी से प्रोटेक्शन यानी कि अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्शन के लिए या अपने मीट को अट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, या अपने मीट को अट्रैक्शन करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, और आपको अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और मिलेंगे हम जल्द से जल्द अगले क्वेश्चन। धन्यवाद।